अरे आज तो 14 फरवरी है, मतलब वैलेंटाइंस डे। अरे वाह, आज तो खूब गिफ्ट्स बटोर सकता हूँ। एक गिफ्ट मम्मी की तरफ से भी मिलेगा और कॉलेज में भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं ही तो हूँ एकमात्र हीरो पूरे कॉलेज में। और रही बात राजू भाई की, तो उनसे भी किसी तरह गिफ्ट ले ही लूँगा। वैसे ये वैलेंटाइन का सही मतलब क्या होता है? चलो जरा राजू से पूछता हूँ। राजू भैया। क्या है? आपको पता है आज क्या है? क्या है? मंडे है और क्या? अरे भैया, आज वैलेंटाइंस डे भी तो है। हाँ तो तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं ही तो हूँ आपका वैलेंटाइन। तो आज के दिन अपने इस प्यारे से भाई को गिफ्ट देना तो बनता है। अच्छा, गिफ्ट चाहिए? ठीक है, शाम को मिलेगा। अभी तो जा, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अरे गिफ्ट, अरे वाह, शायद भैया ने दिया होगा। ज़रा देखूँ तो सही क्या दिया है भैया ने। टू फूल चिंटू है? और चिंटू कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा, तो ये आपकी शैतानी थी। ठीक है, घर पे तो सब मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, तो ये भी देख लो। मैं भी बेकार का ही खुश हो रहा था। अरे शायद चिंटू थोड़ा नाराज़ हो गया लगता है। अरे अरे चिंटू, आई एम सॉरी। हाँ, तू ही तो है मेरा प्यारा भाई और तू ही तो है मेरा वैलेंटाइन, और हम दोनों के वैलेंटाइन तो मम्मा है ना? ठीक। तो इस कहानी से हमने ये जाना कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक वैलेंटाइन तो होता ही है, बस नज़रिए की ज़रूरत है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, रोना छोड़ो और एंजॉय करो। क्यों, सही कहा ना?